नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे ने हिंसक रूप ले लिया है। आज बीड जिले में एक विधायक प्रकाश सोलंकी के घर पर पथराव हुआ और आग लगा दी गई। वे एनसीपी के अजीत पवार गुट से हैं और विधायक के घर, दफ्तर, गाड़ियों पर पथराव के साथ आग के दृश्य सामने आए। बताया गया कि बीड के माजल गांव विधानसभा सीट से विधायक प्रकाश सोलंकी का कथित तौर पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। ये 25 अक्टूबर का ऑडियो क्लिप है। एनसीपी ने हमले की निंदा की है और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर से भूख हड़ताल पर हैं। वे किसी से हेल्थ चेकअप भी नहीं करा रहे हैं। राज्य सरकार के लिए हालात चुनौतीपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से जो आरक्षण की बढ़ने पर उसको रद्द कर चुका है और गोपीनाथ शिंदे सरकार ने मामले का हल निकालने के लिए जो समिति बनाई थी, कमेटी बनाई थी, उसको एक्सटेंशन दे दिया 2 महीने का। हालांकि अब मुख्यमंत्री शिंदे ने मराठा समाज के लोगों के कानून व्यवस्था बनाए रखने से के लिए उनसे अपील की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि विनोद जरांगे पाटिल से विनती करता हूँ कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर वे सरकार को कुछ समय दें। तो पहले तो हम अपने सहयोगी रौनक कुकड़े के पास चलते हैं या सुन लेते पहले मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है इसका भी विचार मराठा समाज के लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये इसके वजह से आंदोलन को क्या कहते हैं, एक दूसरी दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये सभी लोगों ने सोचने की आवश्यकता है। सरकार अगर कुछ निगेटिव होती तो ऐसा करना हम समझ सकते थे, उचित था, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसमें काम कर रही है। जो एनसीपी लीडर के घर में आग लगाई है मराठा सपोर्टर ने, उसमें क्या करना है? कंप्लीट फेलियर ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड द गवर्नमेंट। ये ट्रिपल इंजन की खोखे जो सरकार है महाराष्ट्र में, उनका फेलियर है। आज एक विधायक का घर जाला जाता है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कृष्ण हेगड़े, विधायक शिवसेना, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक के पास भी चलेंगे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कृष्णा जी, इस तरह के हालात, परिस्थितियां बनी गई हैं, इतनी हिंसा देखने को मिली है और आपने सुप्रिया सुले को कहा कि जो कानून व्यवस्था उस पर सवाल उठ रहे हैं, विधायक का घर एक तरह से जला दिया गया है। निधि जी, एक तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सामान्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी खुद एक मराठा है और मराठा आरक्षण के लिए हम कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है और लाखों और करोड़ों लोगों के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का सौगंध देकर सामान्य मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको वो आरक्षण देंगे। आज उन्होंने 11,530 जो मराठा भाई बहन है इनके पास कुंभी सर्टिफिकेट है निजामशाही का, उनके लिए आरक्षण डिक्लेयर किया है। आज जो जस्टिस संदीप शिंदे की जो कमिटी है उसका जो रिपोर्ट आया है वो भी कल कैबिनेट में पेश होगा। हमारी सरकार पॉजिटिव है, हम मराठा भाइयों और बहनों के लिए आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। और मैं आपको एक बात सुप्रिया सुले जी का कहना चाहता हूँ, वो आज जो भी कहे लेकिन उनको ये बात मानना पड़ेगा कि उनके खुद के पिताजी जो एक बड़ा मराठा लीडर है शरद पवार जी, वो खुद महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री 4 बार रह चुके हैं। ये जो मुद्दा है ये 1980 का है और 1980 से शरद पवार साहब 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, 3 बार केंद्रीय मंत्री बने हैं, 60 साल उन्होंने महाराष्ट्र में सत्ता चलाया है और ये सब होने के बाद 17.5 साल उनके गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में सत्ता चलाया। ठीक है, और सुप्रिया सुले जी के नैतिक आधार नहीं है कि ऐसा बात करें, क्योंकि 60 साल तो उनके परिवार ने यहाँ पर सत्ता चलाया है। बिल्कुल, आप आरोप लगा सकते हैं विपक्ष पर, लेकिन 2014 से जब महाराष्ट्र में कहते आए कि इसको इस पर मोहर लगेगी, चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि देखिए कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली हैं, अब वो आरक्षण वापस भी नहीं ले रहे। आपने बताया कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लगने वाली है, तो क्या आप डेफिनेट तारीख दे रहे हैं कि कैबिनेट कब हो रही है, कल इस पर मोहर लग जाएगी? निधि जी देखिए, जो भी हम मोहर लगाएंगे या हम रिजर्वेशन के लिए लोगों के सामने रखेंगे, ये कोर्ट में भी खड़ा होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में जो मैटर हाईकोर्ट में टिका
वो उद्धव जी के कार्यकाल में वहां पर नहीं टिका, क्योंकि इन्होंने ना ट्रांसलेशन भेजा ना पेपर वर्क भेजा। लेकिन देखिए ना, मैं सुप्रिया सुले जी पे आरोप लगा रहा हूँ ना मैं उद्धव जी के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार कटिबद्ध है, हमें जो हमारे मराठा भाई है मनोज जरंगे पाटिल जी, उनकी तबीयत की भी चिंता है, और हमारी अपील उनसे रहेगी कि सरकार को थोड़ा टाइम दीजिए और सरकार आपके लिए पॉजिटिव काम कर रही है। अगर सरकार पॉजिटिव नहीं काम कर रही थी तो ये जो कुंभी समाज का जो सर्टिफिकेट था निजामशाही का, ये आता नहीं था। ये अगर EWS में जो हम मराठाओं को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आते नहीं। देखिए ये कांग्रेस और दूसरे पार्टी ऐसे ही हर मैटर में, जैसे वुमेन रिजर्वेशन में OBC और क्या मैटर लेके आ जाओ, इसमें भी OBC को इसमें मिलाओ, लोगों को और सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश करते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ नीति जी फिर से कि हमारी महाराष्ट्र की सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में और जो दोनों मुख्य उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार, हम कटिबद्ध है कि मराठाओं को हम आरक्षण देके ही रहे। जी, क्योंकि टाइम फ्रेम की इस बात आ गई है सर, क्योंकि एक बार फिर से भूख हड़ताल पर हैं जरांगे। अब जैसे तमिलनाडु में 68% आरक्षण है, झारखंड में 60% आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से कई राज्यों में बढ़ चुकी है। क्या आपको लगता है वही परिस्थिति यहाँ पे होनी लानी पड़ेगी या अभी आपको समय लगेगा इस पे करने के लिए? नीति जी ऐसा है, देखिए जो जस्टिस संदीप शिंदे जी की जो कमिटी है उन्होंने 1,73,000 कुंभी सर्टिफिकेट वेरीफाई किए और उसमें से 11,530 कुंभी को उन्होंने पात्र माना आरक्षण के लिए। तो ये पेपर वर्क भी एक लंबा प्रोसेस है, ये मैनुअल एक प्रोसेस है। कल जब कैबिनेट में ये प्रस्ताव आएगा मराठा रिजर्वेशन का, उसके बाद हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जो अनाउंसमेंट करेंगे, वो अनाउंसमेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है महाराष्ट्र में और एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जाएगा। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो है कटिबद्ध है। बिल्कुल, आपकी सरकार कटिबद्ध है, लेकिन फिलहाल चुनौतीपूर्ण समय आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और आइए सीधे हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद है। रौनक, आपने भी सुना कृष्ण हेगड़े जी को, वो कह रहे हैं कटिबद्ध है, विपक्ष पे सवाल वो उठा रहे हैं, लेकिन इस समय कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी गंभीर समस्या है सरकार के सामने जो ये अनशन पर बैठ गए जरांगे पाटिल जी? देखिए निश्चित तौर पर चक्रव्यूह में यहाँ पर सरकार जो है वो अटकी हुई है, और मुख्य तौर पर अगर देखें तो सरकार के पास ऑप्शन भी अब बहुत कम है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश कि 50% की सीमा को आरक्षण से उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, नहीं लांदा जा सकता। दूसरी तरफ अगर मराठाओं को OBC में एडजस्ट करने की कोशिश सरकार करती है तो OBC समाज जो है वहाँ पर आंदोलन करने बैठ जाता है, ठिए पर बैठ जाता है, और ऐसे में आने वाले दिनों में चुनाव है। और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो मराठा एक बड़ा समुदाय है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, करीबन 32% आबादी महाराष्ट्र के मराठा समुदाय यहां पर है, और ऐसे में उस समुदाय को नाराज भी नहीं करना और ऐसा आरक्षण देना है जो कि सुप्रीम कोर्ट में टिक सके। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल जिस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, अमरण अनशन कर रहे हैं, उसने इस आंदोलन की दिशा को हिंसाहीन बना दिया, और कहीं ना कहीं अब तक जो शांतता से यह आंदोलन चल रहा था, जो मराठा समाज है निधि, हमने देखा कि 2018 में भी जब लाखों की संख्या में मराठा समाज महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में रास्ते पर उतरा तो कहीं हिंसा देखने को नहीं मिली। बहुत ही अनुशासन के तरीके से इन लोगों ने अपने मोर्चे निकाले, आंदोलन करे और सरकार से दरखास्त की। उस वक्त फडणवीस सरकार ने आरक्षण तो दिया लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया। तो अब शिंदे सरकार फिर एक बार ये मराठा समुदाय को दरखास्त कर रही है कि हर वो कानूनी पहलुओं को सरकार जो है वो देखना चाहती, और इस बार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद मामला लटक जाए या सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर दे। लिहाजा सरकार को वक्त चाहिए, लेकिन ये वक्त मराठा आंदोलनकर्ता देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये पूरा आंदोलन सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है और चुनाव के वक्त सरकार की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, एक सवाल ये भी कि भाई ये हिंसक क्यों हो गया? आपने भी कहा जैसे पहले ये हिंसक नहीं था और अब ये आगजनी हुई, एक ऑडियो क्लिप की बात हो रही है, लेकिन क्यों हो गया ये आंदोलन हिंसक, उस बारे में क्या कुछ डिटेल्स मिली आपको?
जी देखिए, मुख्य तौर पर जो आंदोलनकर्ता और खास तौर से जो युवा आंदोलनकर्ता, हमने देखा कि पिछले दिनों करीबन 7 मराठा युवा कार्यकर्ताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर आत्महत्या कर ली। कई लोगों के पास उन्होंने आत्महत्या के करने के पहले एक नोट भी जो है वो लिख कर रखा था कि हमें आरक्षण चाहिए। तो ये जो भावनाएँ हैं वो कहीं ना कहीं मराठा आंदोलनकर्ताओं की आहत होती हुई दिख रही है, इसलिए पूरा आंदोलन जो है वो हिंसक भी हो रहा है। और इस बीच जो विपक्ष के नेता है वो भी पूरे मामले को हवा देते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं, इसलिए भी जो मराठा आंदोलनकर्ता है वो कहीं ना कहीं मामले को हिंसक बनाते हुए दिख रहे हैं। और कई लोगों का ये भी आरोप है कि सरकार केवल टालमटाल कर रही है, सरकार के मन में आरक्षण देने की भूमिका नहीं है, केवल मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए ये उग्र जो आंदोलन है वो थोड़ा सा उग्र की शक्ल लेता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल रौनक, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, जो दृश्य वहाँ से आए हैं। और एक और जानकारी अब महाराष्ट्र से शिवसेना से जुड़ी हुई दे दें, जो जिस तरह से वहाँ पे राजनीतिक परिस्थिति बनी है शिवसेना बनाम शिवसेना के मामले पर, सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि अगले चुनाव तक ये मामला लटका रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम करेंगे। उद्धव गुट की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम एनसीपी को की जो याचिकाकर्ताओं पर फैसले के लिए 31 जनवरी 2024 तक का समय देंगे। और आरक्षण जाति की बात, ये इस समय मसले बड़े हुए हैं। बिहार चलते हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार में गांधी जयंती के दिन जैसे जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करने की घोषणा की। लेकिन सर्वे के आंकड़ों के अनुसार राज्य में वर्तमान में शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में वर्तमान आरक्षण का अनुपात सामान्य नहीं है, जैसे कि जहां 15.52% अगड़ी जाति को 10% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वहीं 19.65% अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है। इसकी तुलना में अति पिछड़ी जातियों जिनकी आबादी 36% है उनके लिए 18% आरक्षण का प्रावधान है, और पिछड़ा वर्ग जिनकी आबादी 27% है उन्हें उनके लिए 12% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो कई दलों ने जातिगत सर्वे के आंकड़े के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की है, और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मनीष कुमार। 6 नवंबर से बिहार विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सत्र के एजेंडे के बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में जो हाल ही में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, उसके साथ ही साथ जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया था, उसकी विस्तृत रिपोर्ट बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा, और साथ ही साथ इस जातिगत सर्वे और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पर बहस भी होगी। लेकिन अभी से एक राजनीतिक अटकल शुरू हो गई है कि क्या आने वाले सदन के दौरान बिहार में जो वर्तमान में पिछड़ी जातियों का आरक्षण का प्रावधान है उसमें क्या कोई बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क यह है कि राज्य में जो अभी जातिगत सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार राज्य में अग्रणी जातियों जिनके लिए EWS कोटे के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान है, जबकि उनकी कुल आबादी 15% है। तो अगर आप आबादी की तुलना में देखें तो उन्हें उनकी पूरी आबादी के 66% आबादी जो है वो आरक्षण के कोटे में आती है, हालांकि उसके ऊपर 8 लाख का एक सीलिंग है कि जो जिनकी वार्षिक आमदनी जो है वो 8 लाख रुपए से अधिक है वो इस आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि EWS कोटे में अलग अलग कई सारी अन्य शर्तें भी लागू होती हैं, लेकिन अब ये तर्क दिया जा रहा है कि जो 63% पिछड़ी जातियों की आबादी जो जातिगत सर्वे में आई है उसके बाद वर्तमान में बिहार में जो उनके लिए मात्र 26% आरक्षण का प्रावधान है,
तो क्या उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है? क्योंकि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि उनका एक लेजिटिमेट ग्राउंड बनता है कि जब आपने अग्रणी जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में 66% आरक्षण का प्रावधान किया है तो उसी अनुपात में पिछड़ी जातियों का कोटा भी बढ़ाया जाए। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि वो ऐसा कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहती है, वो पहले सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सदन में रखेगी, सभी जातियों के आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके बाद ही उसी के अनुरूप या उसी रिपोर्ट के आलोक में ही आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आरक्षण के जो वर्तमान में प्रावधान है, खासकर यह अभी से तय माना जा रहा है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनके जो अभी भी वर्तमान जो उनका कोटा है उसमें निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ोतरी की जाएगी। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज झटका देते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता की जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को इस मामले को 6 से 8 महीने के अंदर निपटाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने शराब घोटाले में फिलहाल अंतरिम तौर पर 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल साबित हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर 3 महीने में ऐसा लगता है कि ट्रायल की रफ्तार धीमी है तो दोबारा से जमानत के लिए याचिका डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव इस पर और जानकारी दे रहे हैं। शराब घोटाले मामले में करीब 8 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। जमानत अर्जी जो है उनकी खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेंटेटिवली यानी फिलहाल जो है उसकी नज़र में मनी ट्रेल जो है 338 करोड़ की वो साबित हो रही है और फिलहाल वो जमानत याचिका को खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एजेंसी ने भरोसा दिलाया कि 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि इसको 6 से 8 महीने में ये ट्रायल पूरा हो जाए और अगर ट्रायल में देरी होती है तो 3 महीने के भीतर मनीष सिसोदिया एक बार फिर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने यह भी कहा कि इस मामले में बहुत सारे कानूनी बहस के मुद्दे आए जिनके सीमित जवाब उन्होंने दिए हैं। कुछ संदेह के घेरे में भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात सही है वो ये है कि टेंटेटिवली मनी ट्रेल 338 करोड़ की यानी फिलहाल वो साबित हो रही है, इसलिए जमानत रद्द की जाती है। तो काफ़ी बड़ा झटका ये यहाँ पर है। बड़ी उम्मीद थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को जब फैसला सुरक्षित रखा था उससे पहले की सुनवाई में ED में बड़े सवाल उठाए थे और कहा था कि मनी ट्रेल कहाँ है, साबित नहीं हो रही है, गवाहों के बयान पर इस केस को आगे कैसे ले जाएंगे, 2 घंटे भी ट्रायल कोर्ट में जिरह नहीं हो पाएगी, ये तमाम बातें की थी, पूरी तरह सख्ती दिखाई थी और कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया की जेब में पैसे नहीं गए मनी ट्रेल के तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कैसे हो सकते हैं, ये तमाम बड़े सवाल उठाए थे। सभी को उम्मीद ये थी कि मनी जो ये घोटाला है इसमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को मिलेगी। पहले अंतरिम जमानत के लिए भी आए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके बाद जमानत, नियमित जमानत पर बात हुई कि 8 महीने से वो जेल में हैं, 7 साल का प्रावधान है सजा का, ऐसे अनिश्चित काल के लिए सजा जेल में उनको नहीं रखा जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम मुद्दों को, इन तीनों दलीलों को फिलहाल नहीं माना है और बड़ा झटका यहाँ पर सिसोदिया को है और कई महीने अभी फिलहाल कुछ महीने और उनको जेल में ही गुजारने होंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। और देश की बात में आपको आगे दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी हुई खबरें कि लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया है अपना और साथ ही अन्य रिपोर्ट। We'll be right back.
तो महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का मसला सुलग रहा है, हिंसक हो गया। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आज हिंसा की इतनी तस्वीरें आई, एक विधायक के घर को जला दिया गया, पथराव हुआ, मराठा आरक्षण ये हिंसक क्यों हो गया है? देखिए, ये बहुत पुरानी मांग है। आप अगर थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो 1902 में पहली बार कोल्हापुर स्टेट में छत्रपति शाहू महाराज ने 50% आरक्षण नौकरियों में दिया था, जिसमें मराठा समाज को बैकवर्ड माना गया था। 1947 तक आरक्षण उन इलाकों में मिलता रहा था। विदर्भ में मराठा समाज को कुणबी बोलकर वहां भी आरक्षण दिया गया था ओबीसी का, लेकिन मंडल कमीशन और काका कालेरकल कमीशन ने नहीं दिया था। तब से ये एजिटेशन चल रहा है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने पहली बार 50 साल में महाराष्ट्र के गठन के बाद 2014 में जुलाई में एक हमने ऑर्डिनेंस निकालकर 16% आरक्षण मराठा समाज को दिया था, लेकिन तुरंत हमारी सरकार चुनाव के बाद गिर गई और हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। तो एक बार वो 14-15 का एक किस्सा था जहां पे मराठा समाज को आरक्षण दिया गया था। उसके बाद जुलाई 2018 में मोदी जी ने दिल्ली में 102वीं संविधान संशोधन करके पूरे जो राज्यों के अधिकार थे, देश भर के राज्यों के किसी समाज को ओबीसी घोषित करने के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नवंबर दिसंबर में मराठा समाज को 12% आरक्षण देने का कानून बनाया, जो मैं समझता हूं कि समाज के साथ और राज्य की जनता के साथ एक धोखाधड़ी थी, क्योंकि वो अधिकार राज्य को था ही नहीं। तो अब स्वाभाविक है कि जब ऐसा कानून पारित किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। तब से ये एजिटेशन चल रहा है, लोगों के मन में एक भावना जग गई कि सरकार की तरफ से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, और जिसके चलते सभी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ, विशेषकर सरकार के खिलाफ मराठा समाज के आंदोलक आंदोलन कर रहे। आप जानते होंगे पहले 58 मोर्चे निकले थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण मोर्चे थे, लेकिन ये कुछ विधायकों ने बेहोदी बातें कहने के बाद में ये हिंसक घटनाएं घटी है। लेकिन आज जरंगे पाटिल जिन्होंने अनशन पे बैठे है, वो छठा दिन है, ये दूसरा उनका दौर है। पहले दौर में उन्होंने 14-15 दिन अनशन किया था, मुख्यमंत्री ने जाकर उनका अनशन समाप्त किया था और एक महीने की मोहलत मांगी थी जी। अब 40 दिन हो गए हैं, उन्होंने फिर से अपना अनशन शुरू किया है, 4-5 दिन हुए हैं, और जिसके चलते राज्य में बहुत ही तीव्र एक माहौल बना हुआ है। जवान सर, ऐसे में जो जरांगे हैं वो तो किसी को अपने किसी मेडिकल डॉक्टर को या अपना को अपने अपने को टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, कई युवाओं ने आत्महत्या भी कर ली इस मामले को लेकर। ये हम जानते हैं कि सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण मामला है, लेकिन इस समस्या ये और विकराल हिंसक ना हो इसको देखने की जिम्मेवारी भी सबकी साथ में बन जाती है। क्या आपको कोई राह निकलती हुई दिख रही है? देखिए, हम सभी ने आज हमारा जो अपोजिशन एमवीए का जो गठबंधन है उसके करीब करीब 40-50-60 विधायक हमने राज्यपाल महोदय से मिले थे। हमने राज्यपाल महोदय से गुजारिश की कि आप अपनी तरफ से जरंगे पाटिल को एक अपील कीजिए कि कम से कम पानी तो पिए और डॉक्टर से जांच तो करा ले। लेकिन सरकार लगता है कि कोई गंभीर नहीं है। आज कोई जल्दबाजी में कोई मीटिंग करा के उन्होंने कुछ 11,000 लोगों को जो पहले से ही ओबीसी है, जिनके पास कागजात हैं, सिर्फ 8 जिलों के 11,000 लोगों को एक आदेश निकाला है कि जल्दी से उनको सर्टिफिकेट दिए जाए, यानी उनके पास पहले ही ओबीसी के आरक्षण के अधिकार है, उन्हीं को आप फिर से देने की कोशिश कर रहे हैं। 14 करोड़ का स्टेट है, और लेकिन आज वो 3 लोग जो मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री है उनमें आपस में कुछ टकराव सा दिख रहा है। आज तीनों का एक कार्यक्रम था यवतमाल में, दोनों उप मुख्यमंत्री गायब थे, तो पता नहीं क्या चल रहा है जी। हमने मांग भी की है कि राज्य में और भी बहुत समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, तो एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, और लेकिन उस विशेष अधिवेशन को बुलाने से पहले सरकार मराठा समाज को किस तरह से कानून लाकर आरक्षण देने वाली है
उस कानून का प्रारूप पहले पेश करें, पब्लिक करें और फिर उसके बाद अधिवेशन बुलाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार इस बात पे गंभीर है तो बौखला गई है, किस तरह से उसका आंदोलन को समाप्त किया जाए। आप हमारे साथ जुड़े चव्हाण सर, आपने बात साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में महाराष्ट्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनी हुई हैं और हम चुनावों की बातें कर रहे हैं, अब आगामी विधानसभा चुनावों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना नामांकन भरा। वे बुधनी से चुनावी मैदान में हैं और इससे पहले वो कुल देवी देवताओं के दर्शन के रोड शो सभा की। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना नामांकन दिया। पाटन सीट से वे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने बीजेपी की तरफ से उनके भतीजे और दुर्ग के सांसद विजय बघेल चुनावी मैदान में हैं। और इन तस्वीरों से आइए आगे निकलते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा की शुरुआत की और इस बार लोकसभा चुनाव के लिए उनका फॉर्मूला है पीडीए, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए बीजेपी का सफाया कर देगी। उनसे बात की हमारे सहयोगी तनिष पंजाबी। पीडीए यात्रा चलेगी तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार न हट जाए। तो सर, ये इंडिया अलायंस और पीडीए यात्रा दोनों का नैरेटिव में कितना? देखिए, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है, इंडिया गठबंधन है। पीडीए महत्वपूर्ण है, इसमें लोगों को जोड़ने का काम होना है। लेकिन पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़ों के जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लगातार यात्रा चलेगी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद अखिलेश सर, धन्यवाद। सो अखिलेश यादव जी ने हमसे बात करी, इन्होंने साफ साफ कहा पीडीए स्ट्रेटजी है और इंडिया गठबंधन है। पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही थी कि इंडिया गठबंधन के अब अखिलेश यादव के बीच में दरारें आ रही है कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में, पर आज यहाँ पीडीए यात्रा में उन्होंने कह दिया साफ साफ कि इंडिया उनका गठबंधन है, यानी कि इंडिया उनकी अलायंस है और पीडीए जो है वो उनकी स्ट्रैटर्जी है, वो उनकी पोल स्ट्रैटर्जी है। लगातार अखिलेश जी जमीन पर उतरे हुए हैं, पार्टी वर्करों से मिलते हैं और साइकिल यात्रा, पीडीए साइकिल यात्रा उन्होंने रखी है जो कि आज लखनऊ में है। लगभग सारे विधानसभा क्षेत्रों से होकर जा रही है ये साइकिल यात्रा और आज लखनऊ में लगभग 20 किलोमीटर हो रही है, जिसके अंदर 18 चेक पॉइंट्स हैं। लखनऊ में कैमरा पर्सन राजेश के साथ तनिष पंजाबी फॉर एनडीटीवी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से आज दिल्ली में ईडी मुख्यालय पर पूछताछ हुई। पूछताछ फेमा एक्ट से जुड़े मामले में हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले इस पूछताछ को काफी अहम माना जा रहा है, बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। वैभव गहलोत सोमवार सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। उनसे फेमा मामले में लंबी पूछताछ हुई। इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की थी और धारा 144 लगाई हुई थी। आशंका थी कि कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा ना हो। वैभव ने कहा कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से बहुत कम समय दिया गया, केवल 1.5 दिन का समय देके वापस कहा गया, जब मैंने टाइम मांगा भी 15 दिन का, केवल 1.5 दिन का समय दिया और उस हिसाब से मुझे लगता है कि टाइम और मिलना चाहिए था, मगर ये लोग टाइम नहीं दिया इन्होंने। बिल्कुल, हम तो अपनी बात रखेंगे, बाकी लेट्स सी। ईडी ने इसी साल अगस्त और सितंबर में जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में छापेमारी की थी। ये छापेमारी टाइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट और वर्धा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर हुई थी। इसके साथ ही इन फर्मों के निदेशकों शिवशंकर शर्मा और रतन लाल शर्मा और कुछ अन्य लोगों के यहाँ हुई थी। ईडी के मुताबिक टाइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के शेयर मॉरिशियस की एक कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड ने ज्यादा प्रीमियम देकर खरीदे, जिसे फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कई बार संशोधित किया गया। ये भी पता चला कि टाइटन समूह विदेश से हवाला लेन देन में शामिल रहा है। रतन कांत शर्मा अब बंद हो चुकी कार रेंटल कंपनी सनलाइट कार रेंटल में वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर हैं। ईडी की छापेमारी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पता चला कि समूह द्वारा लेन देन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है और बेहिसाब मिले कैश को होटल बनाने में लगाया गया। ईडी के मुताबिक इस मामले में मनी ट्रेल का तार वैभव से जुड़ते दिख रहे हैं, हालांकि वैभव इससे इनकार कर रहे हैं।
नहीं, ईडी का जो समन आया था वो फेमा के तहत आया था और मैंने उनको कहा कि फेमा से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। तो पहली बात तो ये नोटिस ही जो आया है ये फेमा के तहत आया है, फेमा का हमारा कोई ट्रांजैक्शन मेरा या मेरे परिवार का कोई है नहीं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अब तक मिले दस्तावेजों, डिजिटल सबूतों और दूसरे आरोपियों के बयानों को सामने रखकर ईडी ने वैभव गहलोत से लंबी पूछताछ की। फेमा के मामले में गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, केवल पेनल्टी का प्रावधान है, लेकिन ये मामला वैभव गहलोत की मुश्किलें बढ़ाने वाला है और विधानसभा चुनाव में भी ये मामला एक बड़ा मुद्दा बनेगा। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां अलीगढ़ के बस स्टैंड पर एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। कर्ज में डूबा एक मजबूर पिता अपने बेटे को 6-8 लाख रुपए में बेचने को मजबूर हो गया है। अपनी पत्नी और अपने बेटे बेटी के साथ चौराहे पर बैठ गले में पट्टिका लगाई है जिस पर लिखा था, मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे मेरा बेटा बेचना है। मेरे पापा मुझे अलीगढ़ के रहने वाले राजकुमार अपने बेटे को बेचने निकले हैं। पट्टी लगा रखी है, मेरा बेटा बिकाऊ है। उनका कहना है कि 6-8 लाख रुपए मिल जाएं तो कर्ज चुक जाए और बेटी की पढ़ाई भी हो जाए। मैं सर कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया, मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री चिल्ली मजदूरी पे, मैं किराए पे टिर्री चलाता था। रिपोर्ट लगी भैया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ, क्या करूँ। मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। राजकुमार ई रिक्शा चलाते हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने कभी कुछ दबंग लोगों से कर्ज लिया था, उन्होंने हेरा फेरी की और फिर उनके मकान को बैंक में रहन रखवा कर पैसे ले लिए। इसके पहले ई रिक्शा छीन लिया, परिवार को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। कर्जा हो गया, कर्जा वाले मुझे मारते तोड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, घर पे आके रात के 12 बजे। अलीगढ़ में जिन्होंने ये नजारा देखा वो भी हैरान रह गए। बहुत गलत कर रहे हैं, बच्चे को बेचना, माँ बच्चे के पीछे क्या क्या करना चाहती है, है? अपना भूखा रह लेगी, दूसरे का भूखा नहीं रहने देगी। और ये लोग पता नहीं कैसे किस मजबूरी में हैं, तो इनका सुना जाए भैया, किसी समस्या का समाधान किया जाए। थाना महुआ खेड़ा पर एक पुलिस ने आखिरकार मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना महुआ खेड़ा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पीड़ित की समस्या का निराकरण किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। परिवार अब अपने घर जा चुका है, लेकिन सवाल बचा हुआ है कि कानून की छोटी सी मदद से जो काम हो सकता है उसके लिए बच्चे की बोली लगाने की मजबूरी क्यों पैदा हो जाती है। अलीगढ़ से अदनान खान की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुए रेल हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, 40 लोग घायल हैं। यहाँ 2 ट्रेनों के टकराने से कई बोगियाँ पटरी से उतर गई थी। हादसा उस समय हुआ जब विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। हादसा विजयनगरम जिले में अलमांडा कंकटपल्ली के बीच हुआ। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने घायलों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेल मंत्री अश्विनी कुमार से बात की, अश्विनी वैष्णव से बात की और उन्होंने हादसे से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने को कहा। इस बीच
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और रेलवे की ओर से 10-10 हज़ार रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।